दोस्तों रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही क्लिक करें इस बेल आइकन पर जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे चैनल करंट क्वेश्चन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपको किसी को वकील को चुनना है तो उससे आप क्या बातें करेंगे, उसको कैसे फाइनल करेंगे। एक्चुअल में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया है कि आपको कैसे वकील चुनना चाहिए। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप अच्छा वकील चुन सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वकील से आप क्या क्या बातें करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप रेवेन्यू का वकील चुन रहे हैं, रेवेन्यू का चुने या सिविल का चुने, बिल्कुल सिमिलरिटीज़ होती दोनों के अंदर। लेकिन रेवेन्यू का वकील चुनना है अगर ज़मीन का मामला है तो। अब वहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स आपको वो बता देगा फीस वकील। भाई आपने फीस बता दी, तय हो गया सर मुंशी का इसी में इंक्लूड है, असिस्टेंट का आपका ये अलग से है वो बता दो, हैंड टू हैंड पता कर लो, या सर वो जो टाइप वाइप होगा मैटर जितना भी खर्चा होगा टाइपिंग का, जो भी एप्लीकेशंस लगेंगी, कभी भी टाइपिंग में जो मामला आता है, कुछ भी हर चीज़ का जवाब पेश होते हैं किसी के होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं इनकी, तो उन सब के जवाब के अंदर ये नकल की फोटोकॉपी वगैरह सब फीस में ही है या अलग है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो आप। बाद में दिक्कत होती है, पहले ले लेते हैं फीस, फिर बाद में अगर आप दूसरे काम करवाते हैं तो उसके अंदर ही आपसे पैसा चार्ज करते हैं। उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, भाई आप पहले क्लियर कर लो फीस इतनी, टाइपिंग का खर्चा मेरा और आना मुंशियाने का, ये हैंड टू हैंड ले, अब मेरे से आप पैसे नहीं मांगेंगे इससे रिलेटेड। टाइपिंग के जब भी पैसे टाइप कराओगे मीटर, मैं खुद पैसे दे दूंगा अपने हाथ से। रेवेन्यू सिविल के अंदर भी यही प्रोसीजर रहेगा, सेम फिक्स अमाउंट है, उसके बाद मुंशियाने का है जो भी वो वकील बता देगा उसका, भाई मैं तो ये 2000 रुपये 1500 रुपये मुंशी को दे दो, और जो टाइपिंग का होगा वही, या तो एक साथ ले लेंगे आपसे टाइपिंग, या टाइपिंग का भी ले सर आज के आज ही, अब मेरे से आगे टाइपिंग में भी आप खर्चा नहीं मांगोगे। क्लियर। अब आ जाओ क्रिमिनल केस के अंदर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आदमी समझता ही नहीं है। क्रिमिनल केस के अंदर मामला 307 का, मतलब हाफ मर्डर का मामला है। अब उसकी जमानत करानी पड़ेगी, पहले तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब वकील कर रहे हो तो पहले ये देखो कि जिसको वकील कर रहे हैं क्रिमिनल लॉयर है ना, सबसे मेन चीज़। जैसे मैंने आपको ज़मीन मामले के अंदर बताया रेवेन्यू, सिविल केसेस के अंदर दुकान मकान घरेलू मसले सिविल वकील, क्रिमिनल केस के अंदर लड़ाई झगड़े रेप बलात्कार और 307 मतलब मर्डर हाफ मर्डर सबके 302 हाफ मर्डर, ऐसे मामले के अंदर आपको क्रिमिनल लॉयर चुनना है। अब क्रिमिनल लॉयर से जो बात करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि पहले जमानत और फिर उसके बाद चालान बाद में पेश होता है, फिर केस चलता है। तो आपको ये देखना है कि भाई मेरे को सिर्फ जमानत के लिए वकील चुनना है या केस तक की नहीं चुनना है। तो दोनों बातें करें, सर आपसे तो मैं सिर्फ जमानत कराऊंगा, आप तो जमानत की आप फीस बताओ आपकी, ऐसा होता है कई बार। तो या फिर सर मैं तो आपसे ना केस भी लड़वाऊंगा और जमानत भी आप करवाओगे, दोनों की कंबाइंड फीस बताओ। आपके यहाँ से अगर डीजे कोर्ट सेशन कोर्ट से जमानत होती है तब तक आपकी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट से मैं खुद करवा लूँगा या तो, या फिर आप एक काम करो जमानत कहीं से भी हो आप करवाओगे और पूरा केस भी आप लड़ोगे, आप फीस बताओ। ये तरीके हैं। आप मैं आपको ये कहूँगा कि आप जिम्मेदारी कम से कम यहाँ तक की लें कि भाई आप सर केस आप लड़ेंगे और आप ही को जमानत करानी है, ये फीस बताओ, दोनों कंबाइंड एक साथ फीस बता दो तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा और फीस भी कम हो जाएगी आपकी। क्रिमिनल केसेस के अंदर आदमी को पता ही नहीं होता, जाकर के वकील बना लेता है, जमानत होती है, वकील कहता है जमानत हो गई भाई केस ख़त्म, मेरी तरफ से जमानत तक का मेरा मामला था, आपने केस की बात की नहीं मुझसे, तो चीज़ें आपका क्लियर होना ज़रूरी है। जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं ना उसमें जमानत होती ही होती है, तो पहले डील कर लो कि सर जमानत और केस आप ही लड़ेंगे, ये फीस है। अब फॉर एग्जांपल ले लो रेप केस की फीस ले लो आप मेरे से 35,000 रुपये केस की फीस है और 15,000 रुपये जमानत, तो कितने हो गए 50,000 रुपये डीजे कोर्ट तक का मिनिमम बताया जी मैंने, इससे मैक्सिमम नॉर्मल है आजकल। अब हाई कोर्ट जा रहे हो तो अलग से जाना पड़ेगा आपको, अगर वो कहें कि ऐसा है कि 25,000 और दो हाई कोर्ट से जमानत रख ले कह रहा हूँ, तो आपको पर डिपेंड करता है, आप चाहो तो बात कर सकते हो उनसे, आप खुद भी जा सकते हो हाई कोर्ट, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है कई बार लोग समझते नहीं है और है ना, जैसे मामला क्या होता है थाने के अधिकार के अंदर आता है, थाने के अकॉर्डिंग कोर्ट में जाता है मामला, भाई जिस जगह पे इलाका है जहाँ पे झगड़ा हुआ है उसका इलाका कौन से कोर्ट के अंदर लगता है, फिर वो कोर्ट है ना वहाँ से फाइल जाती है सेशन कोर्ट के अंदर, सेशन केस है। तो अब जब आपको पता ही नहीं है कि ये मामला तो यहाँ घटना तो यहाँ हुई है इस क्षेत्र के अंदर, जो कि जाएगा सीजीएम कोर्ट के अंदर मामला, लेकिन बाद में तो वो ऊपर जाएगा सेशन कोर्ट के अंदर, तो पहले चुने ना अपन सेशन कोर्ट के वकील को डायरेक्ट, तो वो पूरा केस वही देखेगा वहाँ तक, कहीं भी ट्रांसफर हो सेशन केस ही रहेगा वो ज़िंदगी भर, जो 307 का मामला है या रेप का मामला है, 307 सेशन केस ही है वो, जिसके अंदर 7 साल से ज़्यादा की सजा है।
तो इस तरीके से आप बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें और आपको बार बार खर्चा देना नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मतलब आप लिमिटेड में पैसा खर्च कर पाएंगे अपने हिसाब से, और आप मैनेज भी कर पाएंगे कि भाई मैंने ज़मानत में इतनी देनी है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको उसी को लेवर करना है जो ज़मानत करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक किसी और से ज़मानत करा के वकील किसी और को बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ये भी ऑप्शन है आपके पास। वकील चेंज भी कर सकते हो कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात आपको क्लियर करना चाहिए। मैं इतनी फीस दे रहा हूँ आज आपको, आज मेरे बच्चे की ज़मानत करा दो आप, या मेरे भाई की या मेरे फ्रेंड की, जैसे केस चलता रहेगा इस बीच में इतने टाइम पीरियड के बाद मैं इतनी फ़ीस और आपको दे दूँगा सर। ये चीज़ें भी आप मतलब कर सकते हैं, क्वार्टरली दूंगा या हाफ ईयरली दूंगा, जो भी दूंगा या ईयरली दूंगा, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। वकील आपको हर तरीके के मिलते हैं, आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा वकील, जैसे आप बात करेंगे। फीस वो उनके हिसाब से बताएंगे जो वो लेते हैं, आपको बार्गेनिंग करनी है तो कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो कुल मिलाकर के बात करने का तरीका यही है, पहले तो अपन को चुनना है अपने केस से रिलेटेड वकील, उसके बाद उससे बात करनी है फ़ीस के बारे में, फ़ीस के बाद उससे बात करनी है कि भाई आपका वकील मुंशी का, और प्लस जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके अदर खर्चे उनके भी मुझे एक साथ ही बता दो, या तो या फिर मेरे को देना पड़ेंगे टाइम टाइम पर। क्रिमिनल केसेस के अंदर ज़मानत की फ़ीस अलग, केस की फ़ीस अलग, या कम्बाइंड आप ले करना है आपको तो कम्बाइंड एक साथ ही, भाई आप ही लड़ोगे पूरा केस। हाई कोर्ट से ज़मानत होगी तो आप खुद भी कराओगे, या वहाँ से आप किसी को बंदे के थ्रू करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है देखने की कि आपको ये बातें करनी चाहिए वकील से। उम्मीद करता हूँ समझने की कोशिश करना इस वीडियो को, आपके समझ में आ गई होगी बात काफ़ी सारी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा जो कि प्रैक्टिकल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, आगे शेयर करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है कोई नया बंदा देख रहा है तो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।